So guys, सबसे पहले सभी को दिल से सॉरी क्योंकि लव स्टोरी पार्ट 3 हम लोग बहुत लेट को अपलोड कर रहे हैं। कारण तो बुखार आके पूरा बिगाड़ दिया। कारण तो आपको पता है कि करंट नहीं रहता है, बारिश बरसात पड़ती है, तो इसीलिए लेट का कारण बस यही है। बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, टूटा-फूटा बैकग्राउंड पे हमारी लव स्टोरी पार्ट 3, ये फाइनल पार्ट 3 है गाइस। तो गाइस चलो आपको ये बताना है कि रुम्पा किस वजह से मेरे पास हैदराबाद आई थी, मैं किस सिचुएशन में रुम्पा से शादी किया था, बस आपको यही बताना है। तो ठीक है गाइस, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ कलकत्ता से थे चला गया था रिटर्न अपने गांव शहर हैदराबाद चला गया था। तो उसके बाद मैं रुम्पा को कॉल किया, तो रुम्पा को बोला कि रुम्पा तेरा पापा नहीं माने जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऑफिस को जाओ जिम को जाओ। रुम्पा की टेंशन नहीं लग रहा था मेरे को, मैं बोला था 9 जनवरी को मैं रुम्पा से शादी करूँगा। तो फिर इनका पापा ने क्या बोला, डेली बात होती गई तो मेरे को समझ में आएगा कि इनका पापा नहीं मानेगा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। हम लोग हैदराबादी लड़के जल्दबाजी लड़के होते हैं, ठीक है। तो मैं रुम्पा को बोला, तो रुम्पा अगर तुमसे सच्चा प्यार करती है तो हैदराबाद आ जाएगी, ठीक है, मैं तेरे से तभी शादी करूँगा। अभी एक 5 दिन के बाद मैं तेरी टिकट बुक करूँगा, मैं जाने चला गया था ना, उसके 5 दिन के बाद बोला था कि मैं इसको टिकट बुक करूँगा, तू आ जाएगी, वरना मैं तेरे को ब्लॉक पे डाल दूंगा, वरना तेरे से कंसल्ट नहीं। आगे ट्रेन टिकट कंफर्म होनी, फ्लाइट टिकट करे। तो ट्रेन टिकट नहीं है, ट्रेन फ्लाइट से डरती थी, ठीक है। तो ट्रेन में आऊँगी बोल, तो मैं बोला पहले ट्रेन टिकट बुक किया, तो वो ट्रेन का जो तत्काल में बुक किया था बहुत लेट था डेट 10 दिन के बाद, मेरे को क्या है ये जल्दी आना था 4 दिन के अंदर। तो फ्लाइट का टिकट मैं वो कैंसिल करके फ्लाइट का टिकट बुक किया, तब ये आने वाली है, ठीक है। तो मम्मी को माँ को बोला था, बाबा को नहीं बोला था, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रही है, बाबा को पता है, ये इसकी फ्रेंड है थी वहाँ पे, एक शोमी बोल के जो फ्रेंड है ना बेस्ट फ्रेंड, तो उसके पास जा रही बोल के पता था, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या किया, रुम्पा को बोला था, रुम्पा तुम आ रही हो ना, सब कुछ गाइड किया था कैसा कैसा आना, ये तो डर रही थी पहले दिन क्या था। সত্যি জব করে কিনা মানে সবকিছু কনফার্ম করার জন্য বাবা বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুই যা তাহলে দেখে চলে আসি আর আসবো না। एक बात बोलना है जॉब का बारे में, गाइस इनके पापा को मम्मी को मैं ऑलरेडी वीडियो कॉलिंग पे बताया था मैं क्या जॉब करता हूँ क्या नहीं, ठीक है। फिर भी बोला बाहर का लड़का है ना, ठीक है, अभी कंटिन्यू करूंगा। बाप लोग हो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फ्लाइट टिकट कर दिलो, हमार छिलो कटाई फ्लाइट छिलो 6টা शाम में 6 बजे ছটার সময় ছিল ফ্লাইট। তো আমি এবার কাকে নিয়ে যাবো, আমার একটা ভাই ছিল বাড়ির পাশে, তো ওকে বললাম আমাকে একটু দিয়াই, তো ঠিক আছে ও গেল দিতে গেল। তো ফ্লাইট মানে যখন আমি যাব, আমার আধার কার্ড ফটোটা না একদম বাজে একদম জঘন্য, মানে আমার আধার কার্ড ফটো আমার এই ফটো মানে এই লুক দেখলে সবাই অবাক হয়ে যাবে যে এটা আধার কার্ডেই এই। তো ও বললো যে 1 ঘন্টা আগে ভেতরে ঢুকতে হবে, তো আমিও সেইভাবেই যাচ্ছি। আমি সকালবেলায় পৌঁছে গেছিলাম কারণ আমাদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্টটা অনেকটাই দূরে, দমদম এয়ারপোর্ট অনেকটাই দূরে। তো আমি গেছি, তারপরে ওখানে গিয়ে তোমার যখন ভিতরে যাব, যাচ্ছি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এ তোমাকে ফোনে মানে বলছে কীভাবে কীভাবে যাবো না দেবো সব কিছু বলে দিচ্ছে। এবার আমি যাওয়ার পথে মানে দুজন আছে সামনে, দুজন মানে ওরকম চেক করছে, তারপরে ভিতরে যেতে দিচ্ছে। আমি না ওখান থেকে ভয় পেয়ে মানে পিছিয়ে বেরিয়ে এসেছি, ভাই দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভাইয়ের কাছে চলে গেছি। ভাই বলছে কী হলো, বলছে আমার খুব ভয় লাগছে, আমার আধার কার্ড ফটো দেখে ফার্স্ট টাইম রিটার্ন মানে ফার্স্ট টাইম ফ্লাইট পে চলা থা মেরে কারণ। তো আর আমাকে যদি আধার কার্ড দেখে আর এই লোক দেখে যদি মেলাতে নাম্বার আমাকে যদি রিটার্ন করে দেয় বলে আরে কিছু হবে না তুই যা যা। তারপর আমি গেলাম, দেখলো বারবার করে দেখছিল, দেখে আমি ভেবে চলে গেলাম। এবার আমার আমার ফ্লাইটটা কি কোন ফ্লাইটটা ছিল ওটা ভুলে গেছে, ইন্ডিগো নেই 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 ইন্ডিগো নেই
स्पाइस जेट, सॉरी इंडिगो एक्चुअली बुक करने वाला था, मैं इंडिगो बुक नहीं किया, स्पाइस जेट बुक किया। तो अमी की कोड़ा थी माने इंडिगो तो चला गया थी ওখানে গিয়ে ব্যাগ চেকিং সব সব কিছু হয়ে গেছে। তারপর আমি যখন মানে টিকিটটা মানে ওখানে দিচ্ছি তখন বলছে যে ম্যাম আপনার তো এটাই না। ফের আবার ওখানে জিজ্ঞাসা করে আবার আরেকটা জান, তখন হিন্দি ভালো বলতে পারতাম না, আর আমি জানতাম না যে এয়ারপোর্টের মধ্যে বাংলাতে কেউ কথা বলে, কোনোদিন না গেলে যা হয় কেউ হাসবে না প্লিজ। তো ব্যাস গেলাম, ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম, জিজ্ঞাসা করে গেলাম, তারপরে চেকিং সব কিছু হয়ে গেল। এবার ব্যাগ, আমার ব্যাগটা নিয়ে গেছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার ব্যাগ নিয়ে গেছে, আমার ব্যাগ দিচ্ছে না কেন, আমার ব্যাগ দিচ্ছে না কেন, ব্যাগ মানে আসছে না কেন আমার কাছে ব্যাগ। তারপরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি যে কিছু মানে অনেকে আরো যারা মানে ছিল তারা দেখি এরকম ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছে আর ওনারা চলে যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, আমি মনে মনে ভাবলাম এটাই হয়তো হবে, আর্যনকে যদি আবার ফোন করে জিজ্ঞাসা করি ও তো আমাকে পাগল ভাববে। তো চলো ঠিক আছে গেলাম। তারপরে আমি ওই টিকিটটাই কোনটা কেন বুঝতে পারছিলাম না, অন্যটাই চলে গেছিলাম, অন্য গেটে চলে গেছিলাম, চেন্নাইরটাই চলে গেছিলাম। ফার্স্ট টাইম কি হয় দেখো। তো চেন্নাইরটাই ওখানে আমি ওয়েট করছি, ওই টাইমে সেম একই টাইম। তারপরে যখন বলছে মানে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, তারপরে আমি এগিয়ে গেছি, তখন ওখান থেকে বলছে ম্যাম এটা তো চেন্নাই যাবে, আপনি তো হায়দ্রাবাদ যাবেন, আমি মরেছে। তারপরে ওনারা দেখে দিল যে কোথায় বললো নিচে। এবার নিচে ওখানে একজন ছিল, সিকিউরিটি ছিল, ওনাকে জিজ্ঞাসা করলো, উনি বললো নিচে, নিচে গেছে, এবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ আমাকে একটা ভয় দিয়েছিল যে ওই যে গেটটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে, কান্না করে মরে গেলেও ওই গেটটা আর খুলবে না, ওই ভয়টা ছিল আমার মধ্যে যে এই রে যেতে পারবো কি না জানি না। তো এ অবশ্য ফোনে ছিল, ফোনে সবসময় ছিল, ভেতরে পাঠাচ্ছে, আমি তো অনেকেই মানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে যেখানে যে চেক করছিল টিকিটটা ওনাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি হচ্ছে উনি মনে বাংলাতে পারে না, কারণ দেখতে একদম চায়না চায়না। তো আমি হিন্দিতে বলেছি, উনি বলে যে ম্যাম এখনো অনেকটাই টাইম আছে, আপনি বসতে পারেন ওখানে। তো আমি বাস ওখানে বসলাম। তারপরে দেখি আরেকজনের সাথে উনি বাংলাতে কথা বলছে, মানে এই রে আমি তো বাংলা জানি, আমি বাংলাতে বললে ভালো হতো। তারপর ওখানে দুজন বসেছিল, তো ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, ওনারা আমার কোনো কথাই বুঝতে পারছে না, কারণ ওনারাও হায়দ্রাবাদ যাবে তেলেগুতে কথা বলছে। তো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি মানে আমার কথা কিছু বুঝতে পারছে না, ওনারা যেটা বলছে আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। তো গেল, তারপর টাইম হয়ে গেল, যাচ্ছি ভেতর দিয়ে, বাস ভেতর মানে ভেতরে গেলাম, ঢুকলাম। তো ওখানে দেখি বাস দাঁড়িয়ে আছে, বাসে করে নিয়ে যাচ্ছে, আমার বাসে প্লেন কোথায়, বাস কেন ওইখানে। তো আরেকটু আছে, তো এবার এদিকে বাসে করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি বাস কেন প্লেন কোথায় গেল। এবার ঠিক আছে বাসে করে গেলাম, বাসে করে গেলাম, প্লেনটা একদম ছোট, আমি বলছি প্লেনটা এত ছোট কেন, আমাকে এত ছোট প্লেনের টিকিট কেন করে দিয়েছে আরিয়ান এরকম। গাইস স্পাইস জেট বহুত হি ছোটা রেতা, তিন সিট ওয়ালা রেতা হ্যায়, इंडिगो थोड़ा बड़ा था, दो था। तो स्पाइसजेट वहां पे मैं जब बैठा था स्पाइसजेट में, तीन सीट का था, तो इसको मिला छोटा, इसकी हाइट के बराबर से तो लंबा था। ठीक है, तो अभी बस गेलम ভিতরে ও সব কিছু ফোনে টোনে কথা বলে দিলাম। তারপর ওনাকে বললো ফোনটা বন্ধ করে দে, আমি পিকও মানে নেওয়ার মতো নেব যে ফোনটা বন্ধ করে দে। তো দুটো পিক নিয়েছিলাম, পিক দুটো হারিয়ে গেছে ফোন থেকে। তো বাস যখন প্লেনটা উঠে না, আমার পাশের সিটে বিশ্বাস করো কেউ ছিল না, আমি একা ছিলাম, আমার এত ভয় করেছিল, এত ভয় করেছিল মানে বলার মতো নেই, খুব ভয় লেগেছিল খুব। তারপর আমি উপরে উঠে না মানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর ওখানে নেমেছিলাম প্রায় রাত্রে এগারোটা, বেরোতে 11:30। এবার 11টা ওখানে নেমেছি, নেমে বাবাকে কল করলাম যে আমি পৌঁছে গেছি। তারপর ওখানে এবার আমার ব্যাগ কোথায় গেল, আমার ব্যাগ নিতে হবে, ব্যাগের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর এ আমাকে ফোন করছে, বলছে যে জলদি আ, আমি ব্যাগ নেবো, তো বলছে ব্যাগ নিতে হবে না, তুই চলে আয়। এক মিনিট, আমি রুকো, ইয়াহাঁ সে মাই বলুঙ্গা, ঠিক আছে।
सो गाइस इसके बाद क्या हुआ, मैं इसको क्या बोला था, एयरपोर्ट पे अगर आया तो मेरे को जीन्स वीन्स पसंद नहीं है, ठीक है। ये पहली बार शहर में आ रही थी, ठीक है, हैदराबाद में पहली बार आ रही थी, वो ऐसा मतलब जीन्स पैंट पहन के, मेरे को जीन्स पैंट पसंद ही नहीं है, मैं जीन्स पैंट के खिलाफ ही था उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं, बोल के अभी मैं पहनने देता हूँ, तब जीन्स के पैंट के खिलाफ था, तो वो जीन्स पैंट पहन के, तब मेरे को मतलब मेरी बात मेरे खिलाफ किया, तो मैं ठीक है, मैं बोला उसको ऐसा ही इशारा बताया, चले जा तुम, ऐसा चले जा, मैं रिटर्न चला गया, फिर जल्दी जल्दी भाग लेते हैं आप बाहर, किधर जाओ, किसी को नहीं जानती हूं, बाहर आया। उसके बाद मैं पूरे मतलब लोग देख रहे थे, मैं बोला जीन्स पैंट क्यों पहन के आया, तो मैं क्या बोला था, नहीं पहन के आना, मेरी धीरे धीरे बोल रहे थे, अभी जैसे बोल रही ऐसे नहीं बोला था, धीरे धीरे बोला था कि जीन्स क्या ना पोड़े ऐसे चलूंगी, এই ভাবে আসতে বলেছিল না কি করব আমি জিন্স না পোনা আমি ব্যাগ এতগুলো ব্যাগ কি করে মা উপরে মা হচ্ছে যাওয়ার সময় কিছু খাবারের জন্য দিয়েছিল তো আমি কি করে সামলাবো সবকিছু তো उसके बाद मैं बोला तो मुझे गुस्सा आया, तो चलो फिर है ना थोड़ा वहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो गया, मैं छोड़ के चला जाएंगे सोचा, मेरे को मतलब मेरे खिलाफ चला गया था। तो उसके बाद ऑलरेडी वहाँ पे कैब बुक कर दिया था, मैं ओला बुक किया था, तो उसके बाद रात के 12:30 हो रहे थे, ठीक है, तो हमको आना था ऑलरेडी। मैं अपने गाइस एक बात बोलना भूल गया मैं, ठीक है, रूम्पा आने से पहले मैं क्या किया वो एक दो मिनट की बात है मैं बोलूँगा। रूम्पा आने से पहले, रूम्पा आ रही थी, रूम्पा को किधर रखना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेडीज़ हॉस्टल में रखो तो वहाँ पे कैसा रहता मुझे पता नहीं है, हैदराबाद के लेडीज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में तो लड़की नहीं रह सकती, तो मैं क्या किया, मैं हॉस्टल छोड़ दूँ बल्कि उसको एक 3 दिन पहले ही बोल दिया था, हॉस्टल छोड़ के मैं रूम देखने गया, हर जगह पे रूम देगा अच्छे से अच्छा रूम, मतलब एक फैमिली एरिया हो, तो मैं जहाँ पे रूम देखा था वहाँ पे पूरे मतलब टेम्पल से थे, पूरे मंदिर से थे सब कुछ, मतलब हर टाइम 4 बजे पूजा होती थी, वो एरिया बहुत अच्छा लगा मुझे, हर वहाँ पे जाके मैं घूम रहा था, लोग बोल रहे थे नहीं देंगे बैचलर को, नहीं देंगे या फैमिली हो ना तो तभी देंगे, मैं बोला तो उनको झूठ बोला मैं, क्योंकि अब ये आ रही है तो फर्स्ट टाइम मैं झूठ बोला कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई, मेरी वाइफ आ रही है, मैं ऐसा शॉप पे मैं वर्क करता हूँ, तो ऐसा बोल के बोला, तो वर्क तो सही बोला जो करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है बोल के वो लोग अग्री कर लिए, एडवांस दे दिया, तो रूम्पा को मैं बोला था फ़ोन पे कम रेट का लिया बोल के, ठीक है, वो रूम्पा देख के समझ गई मैं झूठ बोला था, एक्चुअली उसका रेट था, अभी आपको बोल रहा हूँ 12,000 रुपया रेट था, ठीक है, रेंट। तो जब रूम्पा को बोला था मैं सिर्फ 4,000 रुपया बोल के बोला था, तो वो खुश था, तो 4,000 फिर बाद में बोला 9,000, तो झूठ अभी एक्चुअली उसका 12,000 था, 3 महीने का एडवांस दे दिया था मैं उसका रेंट, अनेक रूम देखे छिलो बट ओई रूमटा पसंद হয়েছিল কেন আমি বলছি রুমের পাশেই মন্দির ছিল কৃষ্ণদেব মন্দির ছিল एक मिनट। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, मेरे को एक डर लग रहा था अगर ओनर पूछेगा तो रूम्पा के मंगलसूत्र किधर है, सिंदूर किधर है सुबह उठ के, तो मैं क्या किया, तो चलो बोल के जब कैब में बैठी थी रूम्पा को बोला ऑलरेडी वो मतलब इसके पास वो मैं बोला था सिंदूर लेके आ लेना आते वक्त, पहले ही बोला था, तो वो क्या किया कैब में बैठ के सिंदूर लगा लिया, लगा के वो मंगलसूत्र पहन लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग गए ओनर से बात, मतलब ओनर सुबह में आया देखने के लिए, मतलब मेरी वाइफ आई नहीं या मैं बैचलर हूँ, तो रूम्पा को देखा नमस्ते भाभी बोल के बोला तेलुगु में, उसको तेलुगु ही नहीं आती, वो तेलुगु में बात कर रहा है, तो ठीक है बोल के ओनर के उनके वाइफ से भी मिलाया, तो ठीक है। उसके बाद मेरा नाइट शिफ्ट था, तो उसके बाद देखा 3 दिन तक रूम्पा थे, नाइट शिफ्ट में ही जा रहा था, रात में अकेला ही सो रहा था, रात में अकेला सो रहा था। उसके बाद मैं क्या किया पता है, 4 दिन के बाद नाइट शिफ्ट करके आके दूसरे दिन बोल दिया चलो शादी कर लो, लेके चला गया। शादी के दिन भी इसका नाइट ड्यूटी था, दूसरे दिन वीक ऑफ था, ठीक है, तो लेके चला गया ऑलरेडी वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जो आर्य समाज में शादी किए थे। लास्ट में मैं थोड़ा आपको क्लिप बताऊंगा, फोन से खींचे थे, उतना हाई फाई मैं ड्रेसिंग विरेसिंग पहन के गया नहीं, गया जस्ट नॉर्मल चले गया, क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आया था, अब करना था, ऑलरेडी वहाँ पे आर्य समाज में मैं पैसे पे कर दिया, बंद दिया, तो हमारा डेट आ गया, तो डेट पे चले जाना। सो गाइस उसके बाद हम लोग कैब बुक किया, रूम्पा को बोल दिया रेडी हो जाना शादी, रूम्पा पहले टाइम लेते थे ना ऐसा,
चले जा घर पे चले जा, मैं चले जा। तो गाइस वही रूपा बोल रही थी 9 जनवरी को तुम बोला था ना 9 जनवरी में करेंगे, मैं बोला तेरी शादी करने के लिए इधर बुलाया ठीक है, तेरे पापा के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, शादी करना है तो अभी करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि हम लोग हैदराबादी लड़के एक ही बात पे फिक्स रहते ठीक है, फिर बाद में 9 जनवरी को इससे सच्चा प्यार हो गया मेरे को, फिर 9 जनवरी को बोलेंगे मैं नहीं कर सकती, हो गया हम मेंटलिटी फिक्स हो गए थे ठीक है, फिर बाद में पागल हो जाओ उसके बाद हम लोग चले गए। हम 11 बजे हमारा शादी का वो था तो अपॉइंटमेंट लेट हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था मतलब ट्रैफिक की वजह से, और एक भी शादी थी जब हम लोग गए थे, और एक शादी करा रहा था उसके बाद वो फिर आया, तो ब्रह्मन आके हमारा शादी भी सब कुछ कराया। शादी में बैठ के क्या कर रही थी पता है, भूख लगी है कर रही है पता है गाइस, वो भी ब्राह्मण जो मिठाई लेके रखा था जल्दी रोड, मुझे भूख लग रही है मैं खाओ, वो खाना स्टार्ट कर दिया। गाइस समझा शादी है आधा घंटे में हो जाता होता है, वो 2 घंटे की शादी किया, 3 घंटे लगा था, तो मेरे को इतना भूख लग रही मैं कुछ खा के नहीं गया, मैं समझा आधे घंटे का जबरदस्त पार्टी करेंगे सोचा था, वो बहुत बड़ा दिन था मेरा तो भूख लग रही है, वो बोल रूपा को शादी अगर लोग ऐसा मंडप पे बैठे हैं रूपा भूख लग रही है, भूख लग सिर्फ मेरे साथ से मेरे तरफ से मेरे ऑफिस के दोस्त आए थे तो माला भूल गया वो हार पे लेकर, मुझे क्या मालूम क्या होता, मैं समझा नॉर्मल हो जाएगा वो लोग सब कुछ रखेंगे, तो फिर बोला माला लाने के लिए दोस्त गया जाके माला भी लाया, तो उसके बाद हमारा शादी हो गया, तो भूख लग रही थी भूख खा लिए हुए, तो उसके बाद रिटर्न आ रहा था हमको, आने के लिए कैब नहीं मिल रहा था, कैब नहीं मिल रहा तो वही जो ब्राह्मण है उसका कैब था, तो वो खुद ही हमको वहाँ तक छोड़ा था हमारे घर तक वो खुद आके, तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, फोन किया घर में, फोन करके माँ मेरी शादी हो गई, सब जने शाक, पूरे घर वालों सब जने शाक, पिक भेज दिया सब कुछ भेजा पूरे शाक, और था जो क्या है माँ तो जानतो माने सेटा की छिलो तुम्हारे ওই কি গোত্র লাগে না ওই গোত্রটা আমি জিজ্ঞাসা করার জন্য থামিকে ফোন করেছিলাম, তখন মানে মাকে আমি বলেছিলাম মা জানতো না যে এত মানে এ এত ঘটা করে বিয়ে করব ওখানে, ওটা জানতো না নরমাল করব সেটা জানতো, পাপা তো মালুম হয়ে গেল पप्पा भी शायद आधा ऐसा थक गया, उसके बाद खत्म रेगुलर बात करने लगा पप्पा, रेगुलर हम लोग जितने भी थे आ जाओ कब ना आए कब ना आए, तो उसके बाद गाइस किसी एक सिचुएशन था वो किसी कारण हम लोग इधर आ गए थे, रूपा का कोई देखने वाला भी यहाँ पे नहीं था, तो मैं बात करके आया था ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम करूँगा, तो वहाँ से फिर मैं इधर आ गया, तो मम्मी पापा को देखने गए, उसके बाद आयबा से मेरी इतनी रिस्पेक्ट किए, एक बेटे के लेवल की तरह रिस्पेक्ट किए, मैं समझा था ऐसा नहीं होगा जल्दी मत, 3 महीने के बाद हम लोग आ गए थे शादी के बाद, तो तो अभी फिलहाल अभी वो जब आया थे ना तब से यहाँ पे ही टिक के हूँ रूपा के साथ, रूपा के सबको देख लेते हैं, रूपा को देख लेते हैं यहाँ पे टिक के हूँ, तो गाइस हमारा स्टोरी छोटा सा यही था लव स्टोरी, तो मैं लास्ट में आपको लोग बोल रहे थे थोड़ा हमारा शादी का वीडियो का चीज देने, मैं लास्ट में एंडिंग में आपको दे बता दूंगा, दीदी तुम्हारे বাট আমাদের কোনো বিয়ের কোনো পিক নেই, কারণ তোলার মতো কেউ ছিল না, এর যে বন্ধুগুলো ছিল যে মানে তুলবে পিক সে তো চলে গেল, আধা বিয়ে ছেড়ে চলে গেছিল কারণ অফিসে মানে একটু কাজ ছিল ছুটি পায়নি সেদিন, তো চলে গেছে, পিকটা কে তুলবে, তো ভিডিওটাই একটু তোলা ছিল পিক আর নিজেরাই ওই সেলফি নিয়ে যেটা পার্ট ওয়ানে দেখেছো, তো এই তো অ্যালবাম নেই, নেক্সট টাইম যদি বিয়ে করি তাহলে সুন্দর করে মানে অ্যালবামটা আগে করবো। सो गाइस अभी तो ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 से भी बड़ा हो गया हमारा, यही हमारा फाइनल पार्ट था, आपको बोलना हम दोनों का लव स्टोरी कैसा लगा, আমার প্লেনে যাওয়ার স্টোরিটা সবাই প্লিজ মনে করে তো কিভাবে গিয়েছিলাম আমি, আর না জানলে যা হয় আর কি, মানে যারা জানে তাদের কোনো প্রবলেম হয় না, আমি তো জানতাম না কি सो गाइस चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको यह हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ गाइस, बस यही चाहिए, और कमेंट ज़रूर करना, आपका कमेंट पढ़ना आपको रिप्ले करना बहुत अच्छा लगता है, जस्ट मैं वीडियो में रिप्ले करूँगा किसी मतलब बिजी के कारण मैं रिप्ले नहीं कर पा रहा, तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, बाय।